समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की खुजराहो सीट पर उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद अब कांग्रेस ने ऐलान किया है कि इस सीट से इंडिया गठबंधन के साझा उम्मीदवार ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी आरबी प्रजापति होंगे। कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी आरबी प्रजापति को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। उनका मुकाबला मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा से होगा। बीडी शर्मा ने पिछला चुनाव करीब 4.5 लाख वोटों के अंतर में जीता था। इस सीट पर 14 उम्मीदवार हैं। खुजराहो सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी ने खुजराहो लोकसभा सीट इंडिया ग्रुप के अपने सहयोगी समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दिया था। दुर्भाग्य से सत्ता के खुले खेल और लोकतंत्र के सभी मानदंडों के खिलाफ जाकर बीजेपी सपा उम्मीदवार का नामांकन खारिज करवाने में सफल हो गई है। जो गतिरोध उत्पन्न हुआ था अब वो समाप्त हो रहा है। इंडिया गठबंधन के घटक दल फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार आरवी प्रजापति, जो रिटायर्ड आईएएस अफसर है, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के सदस्य रही, जिन्हें यह सीट घटक दल के रूप में दी गई थी, उसके प्रदेश अध्यक्ष माननीय मनोज यादव जी भी हमारे साथ हैं। उसका कारण है 28/7/2018 को जो जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, उस समय का वाक्य है जो बीके महोदय जी